और अब वो खबर जो आपको चौंका देगी। अगर अब तक आप इस्लामिक स्टेट और बगदादी के खतरे को खारिज कर रहे थे तो जरा नींद से जाग जाइए, क्योंकि अब देश की खुफिया एजेंसियों ने भी कह दिया है कि बगदादी के इस्लामिक स्टेट ने इंडिया ब्रिगेड बना लिया है। भारत के लोग सीरिया और इराक जाकर बगदादी की फौज में भर्ती हो चुके हैं और हिंदुस्तान में भी बगदादी नफरत का जहर घोल रहा है। इस्लामिक स्टेट के खलीफा अबू अल बकर बगदादी ने हिंदुस्तान को भी आतंक के रंग में रंग देने की ठान ली है। इस्लामिक स्टेट ने भारत तक अपना काला जाल फैला लिया है। श्रीनगर के लाल चौक पर दिख रहे काले झंडे बगदादी के नापाक मंसूबे की निशानियां हैं। ये झंडे इस बात का सबूत हैं कि अब कोई बगदादी को भारत से दूर न समझे। बगदादी खुद हिंदुस्तान की सरहद से भले ही दूर हो, लेकिन उसके नापाक इरादे यहां तक पहुंच चुके हैं। बगदादी के मंसूबों ने यहां दस्तक दे दी है। बगदादी के जहरीले विचार धीरे धीरे हिंदुस्तान की हवा में घुलकर इसे जहरीला बना रहे हैं और अब वो हिंदुस्तान में आईएसआईएस का ब्रिगेड भी बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, खुफिया एजेंसियों ने पहली बार उन भारतीयों की लिस्ट तैयार की है जो सीरिया और इराक में बगदादी के लिए लड़ रहे हैं। नागपुर में 3 युवकों की गिरफ्तारी के बाद उनसे हुई पूछताछ के आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। सीरिया जाने की फिराक में घर से निकले तेलंगाना के 3 युवकों ने खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसे नाम भी बताए हैं जिनके बारे में पहले किसी को इल्म भी नहीं था कि वो बगदादी की फौज में शामिल होने के लिए वतन से बाहर गए हैं। गौर से देखिए, इस लिस्ट में 23 नाम है। इनमें से 17 नाम दक्षिण भारतीय राज्यों में रहने वाले लोगों के हैं। बगदादी के लिए लड़ रहे भारतीयों में 6 लोग कर्नाटक के हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 4 युवक भी बगदादी की फौज में शामिल हैं। केरल के 4 और तमिलनाडु के 3 युवक आईएस के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के 4, जम्मू कश्मीर और यूपी का 1-1 युवक बगदादी की खिदमत कर रहा है। हम आपको फिर से बता दें कि खुफिया एजेंसियों की इस लिस्ट में सिर्फ वो नाम हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी छोड़कर सीरिया और इराक पहुंचे हैं और वहां बगदादी की फौज में भर्ती हो गए हैं। इन 23 में से 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 17 लोग अब भी बगदादी के लिए लड़ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की बड़ी चिंता ये है कि अपने ही देश में रहकर बगदादी के प्रति सहानुभूति रखने वाले युवकों की संख्या इस लिस्ट में शामिल लोगों से कहीं ज्यादा है। कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है तो किसी ने अपने किसी जानने वाले के मार्फत बगदादी से अपने तार जोड़ रखे हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए 23 सिरफिरे लोग ज्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन चिंता की बात यह है कि बगदादी को खलीफा मानने वाले लोगों की तादाद इस लिस्ट में शामिल नामों से कहीं ज्यादा है। सीरिया इराक में बगदादी के लिए लड़ रहे भारतीय भले ही गिनती के हैं, लेकिन अपने ही देश में रहकर बगदादी के नाम की माला जपने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज, पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे